want to read unnecessary. Sorry, again you are submitting in Hindi. I am not able to understand. तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। गुड। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 और 27 के अधीन यू आर रीडिंग इन हिंदी। डू यू थिंक दैट आई विल अंडरस्टैंड? वाई यू वांट टू रीड अननेसेसरी? वही जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग से। तो हुजूर पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा, उसमें इसी का अंग्रेजी। सर अगेन यू आर सबमिटिंग इन हिंदी। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। गुड। No, I have rejected your petition. No, no, rejected तो full bench के light में हुजूर reject करना है। With reference to 138 only. Full bench हिंदी के पक्ष में है। सब लोग full bench पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी सुन रहे हैं। Your case is already over. I have called the next case. No, तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा। आज भी पटना हाईकोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे मोकिल का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं। तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए। वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में। बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है। जिस तरह से हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद दीजिए, उसी तरह से कहा गया था। मैंने निवेदन किया कि एक बार फुल बेंच को ठीक से सुन लिया जाए। सुना गया। सुनने के बाद पाया गया कि जो हिंदी में फाइल किया है उससे जबरदस्ती अंग्रेजी अनुवाद नहीं लिया जा सकता है। और चूंकि यहाँ अनुवादक विभाग है तो उससे मांगने में है, और वो मांगा गया। हुजूर देखा जाएगा। सर डोंट गिव लेक्चर सर। वॉट एवर द सबमिशन यू वांट टू मेक, यू रिस्ट्रिक्ट योर With reference to your petition. तो हमारा सबमिशन यही है कि स्वर्ण सिंह बग्गा केस पूर्ण पीठ से संपुष्ट हुआ है, जो ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है। जहां तक अंग्रेजी अनुवाद वसूलने का सवाल है तो वह आवेदक से वसूलने की अनिवार्यता नहीं है, वो अनुवादक विभाग से भी किया जा सकता है। हुजूर हमने इसके लिए आवेदन भी दाखिल किया है कि अनुवादक विभाग